फडणवीस जी, एक है मिस्ट्री, द मिस्ट्री ऑफ शरद पवार। शरद पवार क्या कर रहे हैं, क्या करना चाहते हैं, उनके मन में क्या है, क्या करते हैं, आगे क्या करते हैं, मतलब बिहाइंड क्लोज डोर्स क्या करते हैं। 2019 में आपने अलायंस बनाई चंद दिनों की अजीत पवार के साथ, और आप दोनों ने 23 नवंबर को यू बोथ टुक ओथ अर्ली इन द मॉर्निंग, सारे मीडिया को आपने शॉक दिया, और आपने कहा इट वॉज ओनली आफ्टर डिस्कशंस विद पवार दैट वी डिसाइडेड टू फॉर्म द गवर्नमेंट। यानी कि आपने कहा जो सरकार बनी वो शरद पवार की मिली भगत के साथ बनी। यू सेड ही वॉज अ पार्टनर और अजीत पवार वही कर रहे थे जो वो चाहते थे। अब शरद पवार कहते हैं कि आप झूठ बोल रहे हैं, वो कह रहे हैं वो शॉक्ड है, मुझे पता ही नहीं है इस ओथ से टेकिंग सेरेमनी के बारे में, सब झूठ है। आज खुलकर जितने हमारे लोग हैं, आप बताइए कि शरद पवार की रोल क्या थी, विस्तृत तौर से बताइए इसको, डोंट गिव मी अ सुपरफिशियल आंसर, आप डिटेल्ड आंसर दीजिए इस पर। देखिए, शरद पवार जी की मिस्ट्री को समझना है तो उनकी हिस्ट्री में जाना पड़ेगा, तभी आप उनकी मिस्ट्री को समझ सकते हैं। बिल्कुल आपको स्पष्ट रूप से कहता हूं कि जिस समय उद्धव जी ने हमारे से मुंह नाता तोड़कर मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए कांग्रेस एनसीपी के साथ बातचीत चालू की, और जैसे जैसे बातचीत आगे खींची तो हमारे ध्यान में आया कि उद्धव जी तो हमारा फोन भी नहीं ले रहे थे, तो ये हमारे साथ नहीं आने वाले, इनको कुर्सी बुला रही है। तो फिर हमने और हमारे पास क्या अल्टरनेटिव है इसका विचार किया। ऐसे समय एनसीपी के कुछ लोगों ने हमको ये कहा कि एनसीपी आपके साथ आ सकती है, हम लोग स्टेबल गवर्नमेंट देना चाहते हैं। और शरद पवार जी के साथ, मैं वापस अंडरलाइन कर रहा हूं, शरद पवार जी के साथ हमारी बैठक हुई। उस बैठक में यह तय हुआ कि महाराष्ट्र में सरकार बनाई जाएगी, किस प्रकार से बनाई जाएगी इसका मोडस ऑपरेंडी तय हुआ। अजीत पवार और मैं, हम दोनों मिलकर इसको आगे बढ़ाएंगे ये तय हुआ, सारे अधिकार हम दोनों को दिए गए, उस हिसाब से हम लोगों ने सारी तैयारी की। और तैयारी करने के बाद एट वन फाइन मोमेंट पवार साहब उसमें से हट गए। कब? ये समझ लीजिए कि हमारी शपथ से 3-4 दिन पहले। अग्रीमेंट हो चुकी थी, बिल्कुल शरद पवार थे। हाँ जी, आपकी और शरद पवार की मीटिंग हुई। हाँ जी, उन्होंने प्लान किया कि बीजेपी के साथ गवर्नमेंट बनाएंगे, बीजेपी के साथ गवर्नमेंट बनाएंगे। उन्होंने अजीत पवार को पूरी अपनी ब्लेसिंग दी, और फिर अजीत पवार वॉज लेफ्ट विथ नो अल्टरनेटिव देन टू कम विथ मी, क्योंकि हम लोग तैयारी पूरी कर ली थी, वो तो एक्सपोज हो जाते, वो तो खत्म हो जाते। तो इसलिए अजीत पवार ने और हमने शपथ ली। शपथ लेने के बाद उस समय भी अजीत पवार ये मानते थे कि भाई चूंकि ये सारा इनिशिएट पवार साहब ने किया है, इतनी सारी बैठकें हुई है, सारी चीज़ें अपन ने तय की है, तो हम शपथ लेंगे, लोग हमारे साथ आएंगे, पवार साहब भी आएंगे। पवार साहब नहीं आए, और फिर कोर्ट में जो हुआ वो भी आप लोगों ने देखा। तो कुल मिलाकर हमको वो सरकार तोड़नी पड़ी। लेकिन मैंने इससे पहले भी ये कहा है और बार बार कहूँगा, उस समय सरकार बनाने का जो प्रयास हमने किया था उसकी शुरुआत पवार साहब से बातचीत करके ही हुई थी। तो पवार बैकस्टैब्ड यू? देखिए, क्या शरद पवार ने, क्या शरद पवार ने, क्या शरद, क्या शरद पवार ने आपके पीठ में छुरा भोंका? डिड और या शरद पवार ने अपने भांजे के पीठ में छुरा भोंका? हु डिड ही बैकस्टैब? डिड ही बैकस्टैब यू और डिड ही बैकस्टैब अजीत पवार? देखिए, मैं दो सिनेरियो आपको कह रहा हूं, उसका अंतर से उद्धव ठाकरे जी ने जो किया वो पीठ में छुरा भोंकना था। पवार साहब हमारे साथ थोड़ी चुनकर आए थे, उन्होंने हमारा उपयोग किया स्ट्रेटजी की, और एक प्रकार से हम लोगों को मिसलीड करके वो निकल गए। इसको ज्यादा से ज्यादा आप ये कह सकते हो कि डबल प्लेइंग जिसको कह सकते हैं, उस प्रकार का काम उन्होंने किया। छुरा घोंपने का काम तो उद्धव ठाकरे ने किया।
सो आप कह रहे हैं दैट शरद पवार डबल क्रॉस्ड यू. यस, शरद पवार ने डबल क्रॉस, डबल गेम का, देखिए डबल गेम खेला, डबल गेम. आप कह रहे हैं शरद पवार डबल गेम खेलते हैं. खेला है, खेला है जी, खेला है. हाँ बिल्कुल, मैं बोलता हूँ आपके साथ डबल गेम खेला है. बीजेपी के साथ शरद पवार ने डबल गेम खेला है. खेला, मगर वो तो कहते हैं कि मुझे तो बीजेपी के साथ राष्ट्रीय स्तर पर लड़ना है. हाँ तो लड़े नहीं, मगर डबल गेम खेल रहे हैं. नहीं अभी कर रहे हैं, डबल गेम खेलते हैं. उस समय उन्होंने वैसा किया जो मैंने कहा. आप इसको किस फ्रेमवर्क में डिफाइन करना चाहते हैं मैं आप पर छोड़ता हूं, लेकिन मैं इतना कहता हूं कि अजित पवार और मैं अचानक उठकर सुबह शपथ लेने के लिए नहीं गए. यह तय हुआ था कि हम साथ में मिलकर करेंगे. हम दोनों को जिम्मेदारी दी गई थी, उस हिसाब से हमने सारी चीजें की थी, लेकिन बाद में चीजें बदली.